सिद्धांतों को मिटाया नहीं जा सकता और सिद्धांतों को बनाया भी नहीं जा सकता। यह तो एक अविचल, एक भगवान की रचना देखिए, प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसको स्वीकारना है, समझना है, स्वीकारना है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे, इसका विचार करेंगे और इस सिद्धांत को स्वीकारेंगे, मन से स्वीकार लेंगे, तो बहुत से दुख कम हो जाएंगे, शांति का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। देखिए, एक परिवर्तन का समुद्र चल रहा है चारों ओर, परिवर्तन के समुद्र में हम डूबे हैं। जितनी चीजें आसपास सब परिवर्तित हो रही है, पुरानी हो रही है। हां, किसी समय वो नई थी, आज कोई चीज नई है, जो नई थी वो आज पुरानी हो रही है, जो आज नई है वह कल पुरानी हो जाएगी। एक वस्तु दिखाइए जहां परिवर्तन नहीं। यह भगवद गीता का उद्घोष, जातस्य ही ध्रुव मृत्युः, परिवर्तन का एक महासमुद्र चल रहा है। और न केवल हमारे आसपास जो दिखता है हमें, हम जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, या तो जिस शहर में रहते हैं, हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा पृथ्वी लोक सतत परिवर्तनशील, विनाश की ओर, उत्पत्ति से स्थिति और स्थिति से विनाश, यह जो एक प्रक्रिया चलती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मांडों तक जाइए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक जाइए और सोचिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः पुनः इस सिद्धांत को दृढ़ किया है। कोई व्यक्ति इस परिवर्तन के सिद्धांत को समझ ले, यह जीवनोपयोगी विचार है। यह केवल एक जैसे चर्चा के लिए या बौद्धिक एक चिंतन के लिए की हुई बात नहीं। इस सिद्धांत का संबंध सीधा जीवन के सुख दुख के साथ है। हाँ, पूरा विश्व परिवर्तनशील है, कदाचित विज्ञान भी इस बात को कहता है, साइंस भी इसको कहता है कि एनर्जी है वो सतत परिवर्तित होते रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, वे लोग भी कहते हैं। लेकिन भगवद गीता उस बात को तो करती ही है, यह तो विज्ञान है। 5000 वर्ष से अभी तक किसी ने इसका खंडन नहीं किया। जो जो भी सोचता है वो स्वीकार कर लेता है, मानने लगता है, जीने लगता है। तो एक विज्ञान तो सुनाया भगवद गीता ने कि जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित। लेकिन एक यहां आगे एक बात है, तो फिर क्या, न तुम सोचे तुम अरहसि, तो चिंता मत करो। सभी वस्तु परिवर्तनशील है, नाशवंत है, कोई स्थिर नहीं रहेगा। देखिए, अब हमने स्थूल पदार्थों की तो बात की, जो विश्व में दिखता है, जिस घर में है, जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, उसकी नाशवंतता तो हमें पता चलता है। कोई भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायर डेट आती है, प्रत्येक वस्तु पर आती है एक्सपायर डेट। हाँ, कोई न भी लिखे तो भी एक्सपायर तो होता ही है। तो बाहरी चीजों में तो हम समझ सकते हैं कि परिवर्तन एक चल रहा है। अब और थोड़ा नजदीक आइए, ब्रह्मांडों से होता परिवर्तन इस पृथ्वीलोक पर चल रहा है, इस पृथ्वीलोक पर होता परिवर्तन जिस शहर में हम रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पर भी हो रहा है। उसमें जो वृक्ष है, हमें जो नदियां दिखती हैं, पर्वत दिखता है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्मता से चल रहा है, हमें पता नहीं चलता, परिवर्तन हो रहा है। और नजदीक आइए, हमारे घर में चीजें हैं उसमें परिवर्तन, और नजदीक आइए, यह जो हमारी देह है, हमारा शरीर है, वहां पर भी एक परिवर्तन का चक्र चलता है, सतत चलता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई विज्ञान रोक नहीं सकता, कोई धनवान रोक नहीं सकता, कोई बुद्धिमान रोक नहीं सकता, कोई सत्ता कीर्ति मान व्यक्ति हो वह भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसको स्वीकारना ही है।